छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद जगदलपुर से विधायक बने किरण देव को भाजपा ने छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है, जिसके बाद बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी से आशीर्वाद लेने और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने किरण देव का दंतेवाड़ा में प्रथम दौरा हुआ। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और मां दंतेश्वरी से सपरिवार आशीर्वाद प्राप्त किया। किरण देव ने आने वाले सांसद चुनाव को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों पर भाजपा को जीत दिलाने का लक्ष्य है। पहला है आगमन दंतेवाड़ा जिला में, तो माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद उनके श्री चरणों में शीश नवाने के लिए मैं, मेरा परिवार, सभी मित्रगण, यहाँ के सभी कार्यकर्ता, हम सब यहाँ आएंगे। तो सामने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमारा लक्ष्य पूरे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीत दिलाने का लक्ष्य रखा है और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से यहाँ जनता ने जिस तरीके से विधानसभा में आशीर्वाद दिया और जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, सारी योजनाएं उनके नीचे तक धरातल पर और जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। डबल इंजन की सरकार की हमने बात कही थी, केंद्र की तमाम योजनाएं जो पिछले 5 वर्षों में थम सी गई थी, कांग्रेस की सरकार ने इसको रोक दिया था और अब वो तेज गति से जनता तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। इस दृष्टि से